दोस्तों ये खबर तो आपको मिल ही गई होगी कि चांदनी चौक में एक नया मॉल खुला है, लेकिन वो मॉल है कैसा, अंदर से कैसा दिखता है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वो मॉल मैं आपको अंदर से घुमाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं हूँ चांदनी चौक मार्केट में और ये जो सामने की तरफ आप गुरुद्वारा देख रहे हो, इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और इसके बराबर में एक मस्जिद है जिसको कहा जाता है सुनहरी मस्जिद। सामने की तरफ जो आप इन दोनों के मस्जिद और गुरुद्वारे के सामने जो आप ये रोड देख रहे हो, इसी रोड पर वो नया मॉल खुला है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ से हम सीधे जाएंगे ना तो हमें सामने की तरफ वो मॉल दिखाई देगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, वो सामने मॉल है देखो, ठीक है हम चलते हैं इधर से। तो सामने से अगर आप देखोगे तो इस तरीके का यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत ये मॉल है। इसकी जो एंट्री है वो यहाँ से होने वाली है, तो ये इस मॉल की एंट्री है, हम यहाँ से एंट्री करेंगे। एक रास्ता ये पार्किंग की ओर रास्ता जाता है और यहाँ से जो है हम जा सकते हैं अंदर। ये रास्ता यहाँ से चेक इन करा के और अंदर चलते हैं, यहाँ पर चेकिंग होगी हमारी और चेकिंग के बाद हम अंदर जाएंगे, देख सकते हो। यहाँ पर मैं चेकिंग करा लेता हूँ, तो मैंने एंट्री कर ली और एंट्री करने के बाद आप सामने देखोगे तो यहाँ पर दावतपुर लिखा हुआ है और इस तरीके का यहाँ पर अंदर कुछ व्यू हमें देखने को मिलता है और दावतपुर के अंदर कई होटल बनाए गए हैं जिन होटलों के अलग अलग नाम रखे गए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है, मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। आमतौर पर जिस तरीके के मॉल के रास्ते होते हैं और मॉल होते हैं सेम वैसे ही बना हुआ है और इसके इसमें जो एक मेन अट्रैक्शन वाली जगह है ना, जो पुरानी टाइप की हवेली जैसी लगती है, वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने की तरफ जो जगह बनी हुई ना वहीं पर है, तो ये देखो भाई बिल्कुल ऐसा लगता है देखने में जैसे कोई पुराने ज़माने की पुरानी हवेली जैसा जो डिज़ाइन होते थे ना, पुराने ज़माने में राजा महाराजा जो लोग रहते थे, पुराने जो सेठ लोगों की हवेली टाइप की होती थी, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही जो है डिज़ाइन को जो है यहाँ पर बनाया गया है। ये इस पूरे मॉल का मॉडल है, ये देखो भाई यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, चलो मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ इसे, ये देखो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई पुराने ज़माने की कोई हवेली हो, पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा लोग रहते थे वो इस टाइप का यहाँ पर बना हुआ है। तो चलो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उन होटलों की ओर जो यहाँ पर चार होटल हैं और अलग अलग नामों से बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत वो बने हुए हैं, जैसे पुराने ज़माने में होते थे ना लाल बाग, सुनहरा बाग, सुनहरी मस्जिद, तो इसी तरीके से जो है इसको भी जो है नाम दिया गया है। और देखो इस लिफ्ट से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे ना तो सामने हमें दिखाई देगा दिल्ली 6 लिखा हुआ, तो इस मॉल के अंदर जो है ना सेम टू सेम वही पैटर्न यूज़ किया गया है, वैसा ही डिज़ाइन बनाया गया है जैसे पुराने ज़माने में हवेलियों का और किलों वगैरह का बनता था। देखो यहाँ देखो सामने दिल्ली 6 लिखा हुआ है, अब हम इस साइड से चलते तो इस वाले होटल का नाम जो है ये लाल बाग है, इस वाले एरिया का देखो सेम टू सेम वैसा ही डिज़ाइन बनाया जैसे पुराने ज़माने में होते थे ना दीवाने आम दीवाने ख़ास बादशाहों के जो बादशाह लोग बनाया करते थे, तो इस जगह का नाम है लाल बाग। बाकी यहाँ का जितनी भी डेकोरेशन होगी वो सब लाल कलर से ही होगी, यहाँ की देखो क्या होता है, देखो सब जगह लाल ही लाल दिखाई दे रहा है ना, तो ये वही जगह है, तो इसके झूमर उमर भी लाल ही है। देखो ऊपर की तरफ जैसे पुराने ज़माने में बनती थी ना डिज़ाइनिंग झरोके वगैरह, तो वैसे ही बने हुए देखो ये सब। चलो हम उस साइड में चलते हैं और उस साइड में बना हुआ है, तो अभी हम लाल बाग में थे और अब हम जाएंगे सुनहरी नगरी की ओर। तो लाल बाग के सामने ही आप देखोगे तो ये सुनहरी नगरी है, हम इस साइड में जाएंगे, ये सुनहरी नगरी है, हालांकि ये सब चारों जो है आपस में जॉइंट है। पहले मैं आपको सुनहरी नगरी दिखाता हूँ अंदर से देखो, लेकिन ज़्यादा कोई ख़ास भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पर, सामने देखो ये सुनहरी नगरी लिखा हुआ और
और ये सामने जो है इधर से हम जाएंगे नील नगरी और पन्नापुरी की तरफ। अच्छा, नील नगरी में क्या है, नील नगरी में जितनी भी कुर्सियाँ हैं और जो सजावट का सामान है वो सब नीला है, और पन्नापुरी में जो है वो हरा है। ठीक है, देखो ये रास्ता हमें बताया गया है, लालबाग सामने है और नील नगरी हमारे लेफ्ट साइड में है, और इसी तरीके से पन्नापुरी भी हमारे लेफ्ट साइड में। तो हमने लालबाग और सुनहरी नगरी देख लिया है, अब हम जाएंगे नील नगरी और पन्नापुरी देखने के लिए। सामने देखो हमें नील नगरी दिखाई दे रही है और इस साइड में पन्नापुरी। तो नील नगरी में अगर आप देखोगे तो सब कुछ नीला ही नीला है। यहाँ पर देखो इसके अंदर जो पिलर वगैरह लगे हुए हैं, झूमर लगे हुए हैं, सब कुछ नीला है, और इसके अंदर भीड़ काफ़ी कम है। नील नगरी में भीड़ काफ़ी कम है, लाल बाग में भीड़ थी ठीक ठाक, और सुनहरी नगरी में भी कम थी भीड़, और नील नगरी में तो बहुत ही ज़्यादा कम है। देखते हैं पन्नापुरी में जो है कितनी भीड़ है। यहाँ पर भी भीड़ कम ही है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। सबसे ज़्यादा भीड़ जो थी वो लाल बाग में मुझे दिखाई दी, यहाँ पर भीड़ कम है। बाकी नील नगरी के हिसाब से पन्नापुरी में ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत। ये देखो तो यहाँ सब कुछ हरा हरा है, नील नगरी में सब कुछ नीला और पन्नापुरी में सब कुछ हरा। देखो कितना खूबसूरत बना हुआ, मतलब छत देखोगे, झूमर देखोगे, कुर्सियाँ देखोगे, सब कुछ नील जो है हरा और नीला और लाल, ठीक है, और सुनहरा, इस तरीके से बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया। और मेन अट्रैक्शन की जो जगह है वो ये है, देखो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी हवेली टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही शानदार। लेकिन अभी लगभग 90% ये मॉल खाली है, सिर्फ 10% जगह कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पर जो है कुछ बना हुआ है, बाकी 90% जो है ये बिल्कुल खाली है। तो देख सकते हो आप बिल्कुल इधर का एरिया बिल्कुल खाली है, कोई भी इस साइड में नहीं है। अभी हमने जहाँ पर देखा था ना होटलों में, वहाँ तो कुछ भीड़ है भी, लेकिन इस साइड में बिल्कुल भीड़ नहीं है। देखो बिल्कुल खाली है इधर का, और यहाँ की जो दुकानें हैं वो भी बिल्कुल खाली है, क्योंकि अभी इधर जो है काम चल रहा है, दुकानें बन रही हैं। और अभी आगे चल के दिखाता हूँ, देखो ये सब एरिया जो है ये पूरा खाली खाली बिल्कुल। ये देखो दुकानें बन रही हैं। अभी देखो यहाँ सामने की तरफ, अभी यहाँ काम चल रहा है, पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है इस मॉल का। और इस साइड में चलते हैं, यहाँ से जो है मॉल का जो है एग्ज़िट है, इस साइड से हम जाएंगे। लेकिन दुकानें देखो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी लग रही है, अभी कुछ भी मतलब तैयार नहीं है। हाँ, उस साइड में जहाँ पर अभी मैंने आपको होटल वगैरह दिखाए थे उस साइड में जो था तैयार था, अभी इधर की दुकानें तैयार नहीं। बाकी ये सामने एग्ज़िट है शायद, क्योंकि मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा था ये मॉल, तो मैं देखने आया। नहीं नहीं ये रास्ता बंद है, शायद इसके पीछे वाला जो रास्ता था वो था, ये राइट में जो रास्ता दिखाई दे रहा ना ये है शायद वो रास्ता। तो ये मॉल जो है ना काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था, ये नया नया मॉल खुला है अभी चांदनी चौक में, तो मैंने सोचा मैं भी देख के आता हूँ उस मॉल को। ये देखो ये है वो रास्ता जहाँ से हम एग्ज़िट कर जाएंगे, और सामने की तरफ जो आप दरवाज़ा देख रहे हो यही है, इसी दरवाजे हम जाएंगे बाहर। तो दोस्तों मैं मॉल के बाहर आ चुका हूँ, सामने की तरफ आप देखोगे तो गुरुद्वारा सीसगंज साहिब और फुहारा दिखाई दे रहा है, और ये चांदनी चौक का वही रोड है जहाँ से हम अभी गए थे मॉल के अंदर। और अभी रात हो चुकी है, रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर भीड़ कम हो गई है और मार्केट भी जो है बंद हो चुकी है। चलिए मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ कि यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं या बंद हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भीड़भाड़ होती है उस हिसाब से भी भीड़भाड़ दिखाई नहीं दे रही है। सामने देखो ये है सुनहरी मस्जिद, देखो यहाँ पर सब दुकानें बंद हो चुकी हैं, इक्का दुक्का दुकान यहाँ पर खुली हुई है, कोई कोई दुकान खुली हुई है, और बाकी जो है सब दुकानें यहाँ पर बंद हो चुकी हैं।
मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।